शुरुआत करेंगे खबर की। लोकसभा स्पीकर पद पर होगा घमासान। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। स्पीकर पद पर विपक्ष उतारेगा प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से नाराज है विपक्ष। प्रोटेम स्पीकर पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद पर घमासान लगातार जारी है और लोकसभा स्पीकर पद पर भी चुनाव लगभग तय माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। स्पीकर पद पर विपक्ष अपने प्रत्याशी को उतारेगा। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर पर भी सरकार के रुख से विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। प्रोटेम स्पीकर पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की डीएम के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद डीएम ने उनकी सुरक्षा हटा दी है। राजूदास ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी हत्या का साजिश बताया है। मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया, तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है, ये दुखद है। लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो इसकी चिंता नहीं है और देर है अंधेर नहीं है। मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने गए एक शख्स की लड़के की मौत का मामला सामने आया है। अवैध स्विमिंग पूल में नहाकर लड़का जैसे ही पूल से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद अवैध स्विमिंग पूल संचालक फरार हो गया है। घटना थाना जानी क्षेत्र के सिविल खास इलाके की है। 17 साल का समीर क्रिकेट खेलने के बाद स्विमिंग पूल में नहाने पहुंचा था। कुछ ही देर बाद नहाने के जैसे ही वो पूल से बाहर निकला तभी बेहोश होकर पूल के किनारे पर गिर पड़ा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से समीर अकेला जा रहा था और अचानक गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में समीर को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि कार्डिक अरेस्ट के चलते समीर की मौत हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। उन्नाव में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। एक बाइक पर सवार तीन लड़के टक्कर लगने से सड़क पर गिर गए। तीनों पर ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसा असीवन थाना क्षेत्र में मियागंज सीएचसी के सामने हुआ है। उन्नाव से बड़ी खबर जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस हादसे में तीन लड़कों की मौत हो गई है। थाना सीवन क्षेत्र के सीएससी मियागंज के सामने आज एक स्प्लेंडर बाइक पर तीन बच्चे सवार थे जो मंडी की तरफ जा रहे थे लोकल, और उस उनकी स्प्लेंडर बाइक का अपाचे बाइक से टक्कर हो गया, जहां पर तीनों बच्चे रोड की तरफ गिर गए और पीछे से आ रही ट्रक ने उन तीनों बच्चों को कुचल दिया, जिससे उन तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों बच्चे मेवाती टोला कस्बा मियागंज के ही रहने वाले थे। प्रयागराज में सदर तहसील से बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक चोर ने गमछे से अपने मुंह को ढक रखा था। पहले शातिर चोर ने तहसील परिसर में चहलकदमी की, उसके बाद वो तहसील कार्यालय के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तहसील कार्यालय से निकलकर शातिर चोर सीधे बाइक पर बैठ गया और बाइक स्टार्ट कर तहसील परिसर से बाइक लेकर फरार हो गया। प्रयागराज से ये तस्वीरें जहां पर दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जौनपुर पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की रंजिश बताई जा रही है। मामला सराय ख्वाजा थाना इलाके के पलहा मऊ गांव का है। 13 जून को घर पर सोते हुए बुजुर्ग चंद्र भूषण तिवारी की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था और टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी और इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आकाश विश्वकर्मा निवासी पालामू और सौरभ जायसवाल निवासी विंडमगंज जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। चित्रकूट में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और हंगामा भी किया है। पुलिस ने महिला के पति और ससुर को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मामला शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के कस्बे का है। माँ आती है, इनको कुछ नहीं बताया जाता, दिन भर घर में रहती है, सब सही है। इसके बाद ये घर जाती है, पहुँच ही नहीं पाती, बिसंडा भी नहीं पहुंच पाती, तुरंत खबर पहुंचती है खत्म हो गई। हाँ, वहाँ का माहौल कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट था। अचानक फोन आता है, वही ज्यादा ज्यादा घंटे ही डेढ़ घंटे बाद। गाजियाबाद के मोदी नगर में 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि 25 साल के आरोपी ने नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर 17 जून को रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान होटल में कागजों में भी गड़बड़ी मिली है। मोदी नगर पुलिस ने होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद बच्चे का परिवार बेहाल है। ये उमेश पार्क मोदी नगर में पड़ता है, वहाँ के निवासी एक व्यक्ति हैं। इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी। इन्होंने कल थाना मोदी नगर पर सूचना दी थी कि 17 जून को एक लड़का है जो कि 23 वर्षीय है, उसने उसका इंस्टाग्राम से संपर्क किया था। इंस्टाग्राम से ये दोनों संपर्क में थे, इनकी लड़की और लड़का, और उसने मैसेज करके बुलाया और उसको अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पर तत्काल जो है थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था तथा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। संभल में होटल के कमरे में युवक युवती के शव मिले हैं। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है, जबकि युवती की जहर खाने के मौत की आशंका है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र में हसनपुर रोड पर मौजूद होटल की है। आपको बता दें कि लड़का और लड़की होटल में रुके हुए थे। होटल कर्मचारी ने जंगले से झांका तो युवक फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। होटल में जमा आईडी के मुताबिक लड़का दिल्ली और लड़की संभल के हयात नगर की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच में जुट चुकी है। ये थाना संभल के अंतर्गत एक होटल है आर स्टार, जिसमें पुलिस को सूचना मिली, होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि इनके एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की संदिग्ध अवस्था में संभवतः मृत पड़े हैं। जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़का फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया और लड़की भी बेड पे मृत अवस्था में पाई गई, जो प्रथम दृष्टया जहर खाने की वजह से इसके मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। आजमगढ़ के एसपी ने भ्रष्टाचार के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया है। आरोपी पुलिस वालों पर डरा धमका कर 6,000 रुपए लेने का आरोप है। पीड़ित कैलाश प्रजापति ने बड़ा गांव थाना निजामाबाद में लिखित तहरीर दी थी। जमीन विवाद की जांच की आड़ में अजीत यादव और सत्यदेव पाल पर पैसे ऐठने का आरोप लगा था। एसपी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जांच के बाद दोनों सिपाहियों को सराय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल थाना निजामाबाद पर पब्लिक की व्यक्ति की कंप्लेंट पर दो आरक्षियों के विरुद्ध धारा 386 IPC की एक FIR दर्ज की गई है।
इस FIR को दर्ज करते हुए दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसमें एक आरक्षी अजीत कुमार यादव जो जनपद आजमगढ़ में और दूसरा आरक्षी सत्यदेव पाल ये जनपद मऊ में तैनात है। इन दोनों के द्वारा जन शिकायत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के वादी एवं प्रतिवादी व्यक्तियों से संपर्क कर कार्रवाई कराने न कराने के नाम पर उनको डरा धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप प्रमाणित होने के पश्चात ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मथुरा में चोरों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान को अपना निशाना बनाया है। करीब 70 से 80 हजार रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। आपको बता दें कि घटना कोतवाली क्षेत्र की भरतपुर गेट चौकी क्षेत्र की है। पुलिस चोरों की तलाश में इस इलाके में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि मथुरा में करीब 80 हजार रुपए की चोरी हुई है। मैंने देखा ताले नहीं थे इधर की साइड में, मैंने कहा पता नहीं ताले कैसे नहीं है। मैंने शटर उठाकर देखी तो पूरी सामान ही गायब है। सब पूरा श्रृंगार का सामान जो मेरे 15 साल 20 साल से इकट्ठा है श्रृंगार सब ले गए। बीचे के डिब्बे ले गए, ईद की बिक्री के पैसे थे वो सबरे ले गए। मैं एक आध दिन में देने जाने वाला था उनके पैसे। बुलंदशहर पुलिस ने 2 दिन पहले नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। नाबालिग लड़की की मां के प्रेमी पर दराती से गला रेत कर हत्या का आरोप है। पुलिस का दावा है कि मृतका की मां को उसका प्रेमी भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन वो बेटी को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए राहुल ने नाबालिग किशोरी को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त है राहुल, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि राहुल और मृतका जो बच्ची है उसकी मां के बीच में अवैध संबंध है और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे, बट मृतका की मां यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के जाएगी। राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, बने रहे न्यूज 18 के साथ। आप देख रहे हैं